हल्द्वानी में 30 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जनसभा को लेकर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पीएम मोदी की जनसभा की ऐतिहासिक बनाने के लिए किच्छा में हजारों कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। उधम सिंह नगर के किच्छा में सांसद प्रतिनिधि विपिन जल्होत्रा एवं ब्लॉक प्रमुख ममता जल्होत्रा के नेतृत्व में भाजपाइयों ने विशाल रैली निकालते हुए जनता से हल्द्वानी कार्यक्रम में पहुंचने का निमंत्रण दिया। किच्छा विधानसभा से टिकट के प्रबल दावेदार एवं भाजपा नेता विपिन जल्होत्रा के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं एवं महिलाओं ने रैली निकालते हुए पीएम मोदी की जनसभा को ऐतिहासिक बनाने का संकल्प। रैली के दौरान सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने हाथों में विपिन जल्होत्रा के पोस्टर बैनर लेकर पार्टी हाईकमान से विपिन जल्होत्रा को प्रत्याशी बनाने की मांग की। वहीं ब्लॉक प्रमुख ममता जल्होत्रा ने कहा कि पीएम मोदी ने पिछली बार उत्तराखंड की जनता को तोहफा देते हुए 18,000 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया था और 30 दिसंबर को आयोजित सभा में भी उत्तराखंड की जनता को सौगात मिलेगी। किच्छा में भाजपा नेता विपिन जल्होत्रा की अगुवाई में निकाली गई रैली से चुनावी सरगर्मियां तेज हो गई हैं। आज ये रैली निकाली गई है विपिन जल्होत्रा के द्वारा और 30 तारीख को हमारे मोदी जी आ रहे हैं हल्द्वानी में। उस उपलक्ष्य में सारी जनता इकट्ठी हुई है और वहाँ सब लोगों ने जाने की तैयारी करनी है, सब लोग जाएंगे, इसलिए इतनी धूमधाम से ये रैली निकाली गई है। और जो मोदी जी हैं उन्होंने हमारे महिलाओं के लिए बहुत बड़ी बड़ी योजनाएं चलाई हैं, तो महिलाएं भी बहुत उत्साहित हैं। सब लोग पूछ रही हैं, हाँ दीदी कब निकलनी है यहाँ पे रैली, तो हम लोग सब बता भी रहे हैं और जन जन संपर्क भी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की अभी ये चुनाव का समय आने वाला है, उससे हम लोग संपर्क भी कर रहे हैं, जनसंपर्क भी हो रहा है। 30 तारीख को हल्द्वानी में हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की रैली है, उसके लिए हमने ये जनसंपर्क रैली निकाली है ताकि और लोगों से आह्वान किया है कि वे अधिक से अधिक संख्या में वहां पर पहुंचें और उनके विचारों को सुनें। मोदी जी की रैली एक ऐतिहासिक रैली होगी। यहाँ किच्छा विधानसभा से हजारों की संख्या में वहां पर लोग पहुँचेंगे। जिस प्रकार पिछली बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने 18,000 करोड़ का मोदी जी ने पिछली बार जनता को तोहफा दिया था, इस बार उम्मीद है कि वे उत्तराखंड की जनता को कोई बड़ा तोहफा देकर जाएंगे। ब्लॉक प्रमुख ममता जल्होत्रा जी, सांसद प्रतिनिधि विपिन जल्होत्रा जी, उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष, तीनों सारे मोर्चों के अध्यक्ष, सबको साथ में लेकर हमने पूरे किच्छा में डोर टू डोर जनसंपर्क किया है। व्यापारी भाइयों से निवेदन किया है कि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के विचारों को सुनने के लिए अधिक से अधिक संख्या में आप हल्द्वानी पहुँचने के लिए हमने अपील करी है। और आज जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की लहर पूरे देश में चल रही है, उसी को लेकर आज किच्छा के विधानसभा के कार्यकर्ताओं में भी उत्साह है, युवाओं में उत्साह है कि हमारे किच्छा विधानसभा से युवा प्रत्याशी को टिकट मिले। उसके लिए आज हजारों की संख्या में विपिन जल्होत्रा जी के लिए हौसला अफजाई के लिए सब लोग अपने घरों से निकल कर आए हैं और उनके हाथों को मजबूत कर रहे हैं और यही पार्टी हाईकमान से मांग कर रहे हैं कि किच्छा विधानसभा का प्रत्याशी वो युवा होना चाहिए। और युवा प्रदेश है, युवा मुख्यमंत्री हैं, युवाओं को टिकट मिलेगा। और माननीय नरेंद्र मोदी जी की प्रधानमंत्री विकास कौशल योजना और प्रधानमंत्री अन्न योजना और प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, 9000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं, 6400 किलोमीटर रोड माननीय प्रधानमंत्री जी के निधि से बनी है और 18,000 करोड़ रुपए की लागत से अभी माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी अभी लोकार्पण और शिलान्यास करके गए हैं और हमारे यहाँ किच्छा में एम्स भी आ रहा है, उसका भी लोकार्पण होगा। और इस कार्यक्रम को माननीय मोदी जी के भव्य प्रोग्राम होगा, ऐतिहासिक रैली होगी। हम सबके आदर्श मार्गदर्शक जिनके नेतृत्व में भारत बहुत ही आगे निकल चुका है विश्व के पटल पर, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का आगमन हो रहा है 30 तारीख को हल्द्वानी के एमबी कॉलेज मैदान में। उसी के निमित्त आज भारतीय जनता पार्टी किच्छा के सभी कार्यकर्ता, सभी पदाधिकारी, सभी जनप्रतिनिधि एक यात्रा निकाली है, सबने सभी को आमंत्रित किया है, नगर के व्यवसायी को, व्यापारियों को, आम जनमानस को, सबको हमने आमंत्रण दिया है, निमंत्रण दिया है 30 तारीख को वहाँ पर एमबी कॉलेज के मैदान में पहुँचने का। और निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा उत्साह है, बहुत ही उत्साह है सब लोगों में मोदी जी के विचार सुनने का, मोदी जी को देखने का, इसी के लिए हमने आज ये यात्रा निकाली थी। के सबसे लोकप्रिय नेता और भारतवर्ष के हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री का 30 तारीख को हल्द्वानी में
आगमन है, उसके लिए हम लोगों ने पूरे किच्छा विधानसभा में हम लोगों ने तैयारी कर रखी है कि हर घर में पहुंचकर निमंत्रण दे और सबसे जनसंपर्क करें। इसके निमित्त हम लोगों ने आज देखा होगा आपने किच्छा में हज़ारों की संख्या में, आज जब हम निमंत्रण करने गए हैं तो हज़ारों की संख्या में लोग गए हैं। जब रैली होगी तो मुझे लग रहा है जो हमें टारगेट दिया गया है उससे दुगना तिगने लोग यहाँ पर पहुँचेंगे। लोग अपने नेता को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं। यहाँ पर हल्द्वानी में मुझे लगता है कि वहाँ पर दसियों हज़ार लोग पहुँचेंगे। आज कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह है, आप देख ही रहे हैं, युवाओं में जोश है अपने नेताओं से मिलने के लिए। हम लोग हर जगह पर जनसंपर्क कर रहे हैं और आज 27 तारीख है, 30 तारीख को प्रस्तावित है, तो हम विधानसभा का कोई ऐसा कोना नहीं छोड़ेंगे जहां पर हम जनसंपर्क ना करें।